12.2 धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एच सी और स्टेट। सर्वप्रथम 1810 में डेनमार्क के वैज्ञानिक एच सी और स्टेट ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को देखा था। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको देखने के लिए एक चालक तार जैसे तांबे का लें, उसके दोनों सिरों को बैटरी के दो सिरों से संयोजन तार से जोड़िए। तांबे के तार के समीप एवं समानांतर एक चुंबकीय सुई रखिए। परिपथ के पूरा होने पर चित्र 5, तांबे के तार में से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तार में धारा बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ जाता है तथा धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। धारा बंद करने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। अतः चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा का प्रभाव है। 12.3 सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसे तय होती है? क्या यह आकृति चालक तार की आकृति पर निर्भर करती है? इसकी जांच करने के लिए हमें क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 3, आवश्यक सामग्री, एक बैटरी 6 वोल्ट, एक मार्गी दाब कुंजी, आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा, एक लंबा सीधा मोटा तांबे का तार का टुकड़ा, लोह चूर्ण आदि। विधि, पहला, एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए। दूसरा, इसके ठीक मध्य में कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत एक छोटा छेद कर उसमें तांबे के तार को प्रविष्ट कराइए। यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। तीसरा, चित्र 6 के अनुसार तार को बैटरी व कुंजी से तार को जोड़िए। चौथा, तार के चारों ओर पर बहुत निकट कुछ लौह चूर्ण को कार्डबोर्ड पर छिड़किए और उसके बोर्ड के किनारे पर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। पांचवा, कुंजी लगाकर परिपथ को बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से धारा प्रवाहित हो। अब हल्का सा कार्डबोर्ड को थपथपाएं। आप पाएंगे कि लोह चूर्ण एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो जाता है। तब चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में घूम जाएगी। लोह चूर्ण तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में फैल जाता है और वृत्ताकार आकृति बना लेता है। वृत्तों पर अंकित तीर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को व्यक्त करते हैं। अब यही क्रियाकलाप धारा की दिशा बदलकर कीजिए। आप क्या पाते हैं? चित्र 6 में चालक तार व बैटरी के मध्य धारा नियंत्रक व अमीटर लगाइए। अब तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बदलें और चुंबकीय सुई के किसी दिए गए बिंदु पर रखें तो विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप पाएंगे कि जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगी तो विक्षेप में भी वृद्धि होगी। यदि तांबे के तार में विद्युत धारा का परिमाण वही रहे परंतु चुंबकीय सुई को तार के नजदीक लाएंगे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाएगा। आप देखते हैं कि तार के नजदीक का संकेंद्री वृत्त छोटा व दूर का संकेंद्री वृत्त का आकार बड़ा होता है। बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह से बनता है इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो चलो क्यों ना हम इसे करके देखें। इसके लिए चालक के रूप में देखिए, हमने ये तांबे की छड़ ली हुई है और यहाँ पर इस छड़ के दो जगह पर, दो सिरों पर हमने दो तार जो है वो सेफ्टी पिन की सहायता से जोड़ दिए हैं। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे।
और छड़ को इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया है कि ये हिले डुले नहीं। हमें यह ज्ञात करना है कि जब हम इस चालक पर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा या नहीं। तो इसके लिए हमें मदद करेगी ये चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, ये जो तीर नुमा चुंबकीय सुई आपको दिखाई दे रही है, जब यह चुंबकीय क्षेत्र में होती है तो इसमें विक्षेप दिखाई देता है। तो हम एक काम करते हैं, इस चुंबकीय सुई को चालक के पास में यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी आप ध्यान से देखिए तो चुंबकीय सुई जो है वो यहाँ पर देखिए स्थिर अवस्था में हमें दिखाई दे रही है, ये स्थिर अवस्था में है। अब हमें क्या करना है, इस चालक पर विद्युत धारा का प्रवाह। लेकिन उससे पहले बच्चों ये बात ध्यान रखें कि जो शालाओं में और घरों में स्विच बोर्ड में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में होती है और हमें यहाँ 12 वोल्ट से कम विद्युत धारा के प्रवाह की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ये ट्रांसफार्मर इस स्विच बोर्ड से जो इसे ऑन करने से जो 240 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे 12 वोल्ट की विद्युत धारा में परिवर्तित कर देगा और इसमें प्रवाहित करेगा, ठीक है। तो चलिए विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसके लिए हम ये स्विच को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये विक्षेप दिखाई दिया आपको चुंबकीय सुई में, ये विक्षेप आपने देखा। अब इसे बंद कर लेते हैं फिर से। ये देखिए, ये वापस अपनी स्थिति में आ गया। तो हमने देखा कि जब चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना, जिसके कारण चुंबकीय सुई में हमें विक्षेप दिखाई दिया।